नमस्कार, स्वागत है आपका जनता टीवी में और मैं हूं आपके साथ अभिषेक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि लखनऊ में आज योगी कैबिनेट की अहम बैठक होगी। दोपहर 12 बजे योगी कैबिनेट की अहम बैठक शुरू होगी। मुख्यमंत्री आवास पर ही योगी कैबिनेट की अहम और महत्वपूर्ण बैठक होगी। बता दें कि गन्ना मूल्य बढ़ाने पर फैसला हो सकता है, तो योगी कैबिनेट की अहम बैठक होने जा रही है। 12 बजे बैठक चालू हो जाएगी और कई अहम प्रस्तावों पर भी मुहर लग सकती है, स्वीकृति मिल सकती है। तो बड़ी कैबिनेट बैठक होने वाली है योगी कैबिनेट की और मुख्यमंत्री आवास पर लखनऊ में ये कैबिनेट बैठक होगी। कई प्रस्तावों पर भी मुहर लग सकती है। तो बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं लखनऊ से, जहां पर योगी कैबिनेट की अहम बैठक होने वाली है और कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। दोपहर 12 बजे ये बैठक शुरू होगी। चलिए इसी खबर पर हमारे संवाददाता अनूप सिंह लखनऊ से सीधे जुड़ गए, उनके पास चलते हैं। अनूप, आज योगी कैबिनेट की अहम बैठक होने वाली है, ये बैठक कितनी खास कह सकते हैं? देखिए अभिषेक, आज 12 बजे योगी की कैबिनेट बुलाई गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक शुरू होगी और खासकर इसमें महत्वपूर्ण जो प्रस्ताव आने की उम्मीद है, सबसे बड़ा जो प्रस्ताव है, विपक्ष का जो हमला रहा है, हमेशा प्रियंका गांधी हमेशा ट्यूट पर बनी रहती है किसानों के गन्ने को लेकर, गन्ने से जुड़ा कोई प्रस्ताव पास हो सकता है, उसके समर्थन मूल्य पर उस पर बढ़ सकता है, क्योंकि अभी आपने देखा हो हाल में ही मुख्यमंत्री किसानों से सीधे संवाद भी किए थे। दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा ये हो सकता है, क्योंकि अभी बाढ़ क्षेत्र में काफी उत्तर प्रदेश में परेशान किया है, बाढ़ क्षेत्रों को लेकर कोई प्रस्ताव पास हो सकता है, चेक डैम या फिर इससे जिस तरीके से बाढ़ पे अंकुश पाया जाए, उन सब चीजों को लेकर एक प्रस्ताव पारित हो सकता है इसमें। और तीसरे पीडब्ल्यूडी से जुड़ा प्रस्ताव हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से पीडब्ल्यूडी बरसात के बाद जो अभियान चलाने जा रही है गड्ढा मुक्ति को लेकर के, तो उस पर जुड़ा कोई प्रस्ताव पास हो सकता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो सड़क की स्थिति बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती, क्योंकि बरसात के बाद एक ऐसी स्थिति आती है जब सड़क सबसे पहले सुधारी जाती है, तो एक पीडब्ल्यूडी का अभियान भी अभी शुरू होने जा रहा है, उससे जुड़ा कोई प्रस्ताव पास हो सकता है। इस तरीके से तमाम ऊपर बैठक मानी जा रही है, क्योंकि ऐसे समय पे जिस समय कोरोना काल से भी उभरे हैं, तीसरी लहर की आशंकाएं, मुख्यमंत्री लगातार उत्तर प्रदेश का दौरा कर रहे हैं कि अभी फिरोजाबाद में आपने देखा किस तरीके से वहां पर डेंगू का प्रकोप है, तो तमाम ऐसे जुड़े प्रस्ताव हैं जिससे आप बहुत लग सकती है अभिषेक आज। जी बिल्कुल अनूप, एक बहुत बड़ी खबर ये भी लगातार चली आ रही थी कि योगी कैबिनेट का विस्तार भी होने वाला है, क्या कुछ ऐसे भी अटकलें आ रही है कि इस कैबिनेट में ऐसा कुछ भी होने वाला है या इस पर भी चर्चा हो सकती है? देखिए अभिषेक, बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि योगी कैबिनेट विस्तार को लेकर या मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जिस तरीके से लगातार उस पर चर्चाएं बनी रही है, ऊपर केंद्र नेतृत्व से भी मंजूरी मिल चुकी है, तो वही उस पर भी काम चल रहा है। जिस तरीके से भाजपा संगठन को लेकर के तमाम जो मंत्री हैं उनके प्रयास लगाए जा रहे हैं, और खासकर ये जो मंत्रिमंडल विस्तार होगा जी इस बार माना जा रहा है, क्योंकि करीब 7 महीने ही बचे हैं, ऐसे में हर वर्ग को पूछ करना, हर वर्ग को उसमें देखना पड़ेगा, संगठन को चाहे ब्राह्मण वर्ग हो या फिर ओबीसी की बात करें या फिर जो तमाम और भी वर्ग है उनको बात करें, तो इस कैबिनेट विस्तार में भी कई अहम चीजें हैं उन पर ध्यान दिया जा रहा है। फिलहाल अनूप, एक बड़ा ये भी है मामला कि उत्तर प्रदेश में लगातार पराली और मुकदमे का मामला चल रहा था, साथ में गन्ना किसानों का भी मामला है, क्या किसानों पर भी चर्चा होने की उम्मीद लगाई जा सकती है? देखिए जिस तरीके से अभिषेक, उत्तर प्रदेश में पराली को लेकर एक बड़ी समस्याएं रही है, अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया था कि पराली के मुकदमे जो किसानों को लिखेंगे वो वापस लिए जाएंगे, तो पराली को लेकर एक अहम बड़ा सवाल था जिसको लेकर लगातार उम्मीदें बनी रहती हैं कि जिस तरीके से किसान पराली जलाते हैं उनको दूसरे किस माध्यम से उनको समझाया जाए, जो प्रदूषण है वो कम हो, एक बड़ी समस्या उत्तर प्रदेश में है, इसको लेकर कुछ जुड़ा प्रस्ताव हो सकता है, लेकिन अब देखने वाला वक्त बताएगा अभिषेक क्या कुछ इसमें पराली को लेकर होगा, किसानों को कितनी राहत मिलेगी, क्योंकि आने वाले 6 महीने बाद चुनाव है, ऐसे में किसान एक बड़ी भूमिका निभाते हैं सरकार बनाने में, तो सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि किसानों को
रूठे जो है इनको किस तरीके से समझाया जाए, इनको जो असुविधाएं हो रही है। आज योगी कैबिनेट की बैठक होगी और कैबिनेट बैठक के बाद स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर कैबिनेट की बैठक में क्या कुछ अहम निकल कर सामने आता है। अनूप हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वहीं आज लखनऊ में सीएम योगी वृद्धा पेंशन के लाभार्थियों को पेंशन की सौगात देंगे। सीएम योगी करीब 55,77,000 से ज्यादा पेंशन के लाभार्थियों के खाते में रुपया ट्रांसफर करेंगे। ट्रांसफर की जाने वाली रकम 836,55,00,000 है। इस रकम को सीधे लाभार्थियों के खाते में ट्रांसफर किया जाएगा। सीएम योगी इस बैठक में वर्चुअली रूप से जुड़ेंगे, सीएम लाभार्थियों से संवाद भी करेंगे। राज्यसभा के पूर्व सांसद और पत्रकार चंदन मित्रा का आज सुबह निधन हो गया, लेकिन साल 2018 में उन्होंने बीजेपी छोड़कर ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस ज्वाइन कर ली थी। राजनीति में होने के अलावा चंदन मिश्रा पायनियर के संपादक भी रहे। चंदन मित्रा बीजेपी के कोटे से राज्यसभा पहुंचे थे। चंदन मिश्रा के निधन पर कई बड़े नेताओं ने शोक जताया है। अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत मंत्री श्रीकांत शर्मा निर्धान विद्युत आपूर्ति के लिए राजधानी लखनऊ के जनप्रतिनिधियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा की। उन्होंने विद्युत आपूर्ति के क्षेत्र में लखनऊ को स्मार्ट बनाने के लिए जमीनी प्रवास करने के निर्देश दिए। बैठक में जनप्रतिनिधियों द्वारा लखनऊ विकास प्राधिकरण क्षेत्र की अनियोजित बसी हुई कॉलोनियों और मल्टी स्टोरी बिल्डिंग से प्राधिकरण की ओर से कनेक्शन पर रोक के आदेश के चलते उपभोक्ताओं को हो रही समस्या का समाधान करने के निर्देश दिए। मंत्री श्रीकांत शर्मा ने सभी जनप्रतिनिधियों से वितरण क्षेत्र में सुधारों के लिए रिवैम्प और डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम के लिए प्रस्ताव भी मांगे हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर देनी चाहिए। कोर्ट ने गाय काटने के एक आरोपी व्यक्ति जावेद को जमानत याचिका को रद्द करते हुए केंद्र सरकार को सुझाव दिया। कोर्ट ने कहा कि गोरक्षा को हिंदुओं का मौलिक अधिकार किया जाना चाहिए। गायों को सिर्फ धार्मिक नजरिए से नहीं बल्कि एक पशु तस्करी और जिस तरीके से लगातार बढ़ रहे इस पर भी ध्यान देना चाहिए। हर देशवासी का फर्ज है कि गाय का सम्मान करे और उनकी सुरक्षा भी करे। आपको बता दें कि काऊ स्टालर एक्ट के तहत जावेद नाम के व्यक्ति के जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने यह सुझाव दिया है। कोर्ट ने कहा कि जब गाय का कल्याण होगा तभी देश का भी कल्याण होगा। खबर फिरोजाबाद से है। फिरोजाबाद में डेंगू बुखार का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है और इतना है कि अस्पतालों में लगातार बच्चों की भर्ती हो रही है। अब मौत का आंकड़ा 58 तक पहुंच गया, जबकि अस्पताल में भर्ती मरीजों की बात करें तो इस समय मेडिकल कॉलेज के समस्त वार्ड में 238 मरीज भर्ती हैं। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद फिरोजाबाद के लिए नए सीएमओ तैनात किए गए। शहर के मेडिकल कॉलेज को बच्चों के इलाज के लिए सुरक्षित किया गया। मिली जानकारी के मुताबिक यहां अभी 238 बच्चे डेंगू से जो बीमारी से ग्रसित हैं वो अस्पताल में भर्ती हैं। सभी बच्चों को बुखार, पेट में दर्द और वायरस जैसी शिकायतें आ रही। बच्चों के परिजन तेज बुखार और बेहोशी की हालत में बच्चों को भर्ती करा रहे हैं। दरअसल पिछले 10 दिनों में अब तक 58 मरीजों की मौत भी हो चुकी है। चलिए ज्यादा जानकारी के हमारे संवाददाता दीपक भारद्वाज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, लगातार डेंगू के मामले फिरोजाबाद में बढ़ते जा रहे हैं, अब क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? क्या इस पर कमी हो रही है या फिर अभी भी मामले उसी तरीके से बढ़ रहे हैं? अभिषेक, मैं देखो बता देना चाहता हूँ कि आज से हम थोड़ा 12 दिन पहले जाएंगे। 12 दिन में जब एकदम अचानक ही ये बीमारी इस तरीके से फैली हुई थी तो वहाँ पर माहौल काफी दयनीय हो गया था और जिसके चलते यहाँ योगी आदित्यनाथ को आना पड़ा और उसके जस्ट बाद ही हालात में काबू करने के उद्देश्य से उनको सभी को इंस्ट्रक्शन दिए गए कि तमाम तरीके से इसको कैसे निपटा जाए। मीटिंग की गई अधिकारियों के साथ और साथ में उन्होंने एक शब्द ये भी कहा था यहाँ पर आने के बाद कि जो भी इसमें जिम्मेदार होंगे इतनी मौतों के उनको पास कार्रवाई की जाएगी, जिसके तहत कल यहाँ के सीएमओ नीता कुलशेष को हटा करके यहाँ पर दिनेश प्रेमी को भेज दिया गया कल ही, और कल ही देर रात उन्होंने चार्ज भी ले लिया है। लेकिन हालात में हम आपको बता दें कि उनके योगी जी के आने के बावजूद भी इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आया है। प्रॉपर जो आंकड़े हैं वो बढ़ रहे हैं तेजी से और यहाँ पर जो एग्जिट आंकड़े हैं वो लगभग 58 के करीब हैं। लेकिन अगर हम वहीं आधिकारिक पुष्टि की बात करें तो अब तक 41 लोगों की जो मौत की पुष्टि करी गई है, जिसमें कल अपर निदेशक स्वास्थ्य भी यहाँ पर अमित ए के सिंह भी पहुंचे थे और देर रात तक वो अपने अधिकारियों के साथ और यहाँ के लोकल डॉक्टरों के साथ उन्होंने मीटिंग भी की।
साथ ही हम आपको बता दें क्योंकि जिस तरीके से तेजी से जनसंख्या की जो संख्या बढ़ रही है इसकी जो बीमारी का उसके चलते यहाँ पर एक अलग दूसरे अस्पतालों में भी शिफ्ट कर दिया गया है यहाँ। और आज की पोजीशन ये है कि जहाँ से दो दिन पहले जो आंकड़ा 165 था, 165 मरीज भर्ती थे, वहीं अब आंकड़ा 300 के लगभग पास पहुंच गया है। बिल्कुल दीपक, अस्पताल के अंदर तो कड़ाई की जा रही है, योगी आदित्यनाथ भी पहुंच रहे हैं, लेकिन अगर बात की जाए अस्पताल के बाहर लोगों को क्या सुविधाएं मिल पा रही है और इससे निजात पाने के लिए क्या कुछ प्रशासन और शासन के द्वारा अपनाया जा रहा है? देखिए अभिषेक, मैं बता दूं कल तक यहाँ पर कोई भी, यहाँ पर जो तीमारदार थे, जो लोग थे, जो मरीज थे, उनको कोई भी किसी भी तरीके की सुविधा प्रदान नहीं हो पाई थी, लेकिन राज्यसभा सांसद डॉक्टर अनिल जैन ने अपनी तरफ से एक सांसद निधि से उन्होंने घोषणा की कि कल यहाँ जो भी मरीज रहेंगे या उनके जो तीमारदार रहेंगे उनकी पीने की और खाने पीने की बैठने की व्यवस्था भी उनके द्वारा कराई जा रही है फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो ये कल से थोड़ा सा सहूलियत है यहाँ के मरीजों के लिए, यहाँ के परिजन है और के परिजन है और जो मरीज है उनको कहीं ना कहीं सहूलियत प्रदान होगी। लेकिन अगर बिल्कुल दीपक, तो कहीं ना कहीं अस्पताल के अंदर भी लापरवाही बरती जा रही है और लोगों को और जो मरीज है उनको सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। दीपक, हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो फिरोजाबाद में हो रही डेंगू और वायरस बुखार से बच्चों की मौतों को लेकर विपक्ष की सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू ने यूपी सरकार को घेरते हुए कहा कि सरकार ने पहले कोरोना के आंकड़े छुपाए, फिर कोरोना से मरने वालों के आंकड़े छुपाए, अब अनजान बुखार से हो रही मौतों पर भी आंकड़े छुपा रही है सरकार। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि यूपी फिरोजाबाद, कासगंज, आगरा समेत 5 जिलों में डेंगू और अनजान बुखार से मरने वालों से हालात भयानक हो चुके हैं। योगी सरकार पूरी तरीके से फेल हो गई। योगी ने निरीक्षण किया, उसके बाद भी लगातार जिलों में मौतें हो रही। अजय लल्लू ने कहा कि अनुभवहीन योगी सरकार ने सीएमओ को हटा दिया। सीएमओ हटाने से क्या होगा जब उत्तर प्रदेश के पास सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर की कमी है। फिरोजाबाद जिले में आ रहे मरीजों की संख्या 200 के पार हो चुकी है, लेकिन फिरोजाबाद जिले के सरकारी हॉस्पिटल में केवल 100 बेड ही उपलब्ध हैं और लोगों को सही सुविधा भी नहीं मिल पा रही है। बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने फिरोजाबाद में डेंगू और वायरस बुखार से हो रही मौतों पर दुख जताया। बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो मायावती ने कहा कि कोरोना प्रकोप के सदमे और हताशा से सभी प्रदेश उभरा भी नहीं है और बाढ़ की समस्या के साथ डेंगू बुखार के कारण भारी संख्या में बच्चों की हो रही मौत की खबर अति दुखद एवं चिंतनीय है। इसके प्रति सरकार की गंभीरता जरूरी है। उन्होंने पार्टी के लोगों को निर्देश दिया कि वे लोग अपने स्तर पर मुसीबत ज्यादा लोगों की यथासंभव मदद उसी प्रकार से करते रहें जिस प्रकार से उन्होंने खासकर कोरोना प्रकोप के दौरान लोगों को सहायता प्रदान की थी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हो रही कथित हत्याओं पर गंभीर चिंता जताते हुए मायावती ने कहा इससे पहले हालात और ज्यादा खराब हो सरकार को अपना रुतबा और इकबाल कायम करके कानून के राज की बहाली का सघन प्रयास करना चाहिए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बुधवार को एमएलसी राजपाल कश्यप और सपा जिलाध्यक्ष जितेंद्र वर्मा के आवास पर पहुंचकर उनकी मां के आकस्मिक निधन पर शोक संवेदना जताई, जिसके बाद पत्रकारों से बातचीत में सपा अध्यक्ष ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा राजनीतिक ताकत निजी कंपनियों को देना चाहती है, देश की सबसे महत्वपूर्ण संस्थाएं बेची जा रही। अखिलेश ने कहा कि याद कीजिए इतिहास को, जब इसी तरह व्यापार करने के नाम पर ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी, बाद में वह सरकार बन गई, अब भाजपा के लोग सरकार को कंपनी बना रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा तुष्टिकरण की राजनीति करती है, जातियों और धर्मों को आपस में लड़ाती है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी में तैयारी शुरू कर दी है। समाजवादी पार्टी राज्य के विभिन्न जिलों में जनादेश यात्रा निकाल रही। सपा के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व कैबिनेट मंत्री इंद्रजीत सरोज के नेतृत्व में यूपी के जनादेश यात्रा के तहत भ्रमण जनसंपर्क कार्यक्रम को आयोजन किया जा रहा। इसी क्रम में सपा की आज जनादेश यात्रा शाहजहांपुर में निकाली जाएगी। इस दौरान सपा नीतियों को लेकर राज्य सरकार को घेरने की कोशिश करेंगे। यात्रा के दौरान सपा के कार्यकर्ता दलितों, पिछड़ों के संवैधानिक अधिकारों और महंगाई के मुद्दों समेत कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। राजीव शुक्ला हमारे संवाददाता फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। राजीव, आज सपा की यात्रा निकलने वाली है, यात्रा कितने जगहों पर होगी और यात्रा कितनी कारगर कह सकते हैं आगामी चुनाव के लिए?
देखिए अभिषेक, यूपी में अगले साल विधानसभा चुनाव होने, चुनाव को लेकर बीजेपी समेत तमाम पार्टियां अभी से जुड़ गई हैं। सत्ता में विराजमान भारतीय जनता पार्टी जहां एक ओर सपा, कांग्रेस और बसपा से निपटने के लिए रणनीति बना रही है, तो वहीं समाजवादी पार्टी समेत अन्य विपक्षी दल भी बीजेपी को मात देने के लिए मंथन कर रहे हैं। इसी के तहत समाजवादी पार्टी ने जन आक्रोश और जन क्रांति यात्रा के बाद अब जन जनादेश यात्रा का आगाज पीलीभीत से किया। यह जनादेश यात्रा भारतीय राष्ट्रीय महासचिव एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री इंद्रजीत सरोज की अगुवाई में निकाली जा रही है। इस यह यात्रा 28 दिनों तक चलेगी और इस यात्रा का समापन सुल्तानपुर में होगा। आज जनादेश यात्रा सयाहपुर की पुआया तहसील में सुनिश्चित है, जिसमें जनपद के कई नेता शिरकत करेंगे, साथ ही जनता से सीधा संवाद भी करेंगे। चलिए राजीव, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वहीं मौसम विभाग ने पूरे उत्तर प्रदेश में 4 सितंबर तक बारिश का सिलसिला जारी रहने का अनुमान जताया है। गुरुवार यानी कि आज पूर्वांचल के कई हिस्सों में हल्की से सामान्य बारिश होने और कुछ इलाकों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती है। पश्चिमी यूपी के छिटपुट तौर पर बारिश होने की संभावना है। राज्य में 3 और 4 सितंबर को ऐसा ही मौसम रहने के आसार हैं। कहीं कहीं भारी बारिश भी हो सकती है, तो बीते 24 घंटे में प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की से सामान्य बारिश हुई। इस दौरान राज्य में सबसे अधिक 9 सेंटीमीटर बारिश वृंदावन में रिकॉर्ड की गई, जबकि कई शहरों में काफी कम बारिश हुई। उत्तर प्रदेश सरकार चुनावी वर्ष में होने वाले दीपोत्सव को ऐतिहासिक बनाना चाहती है। इसके लिए यूपी पर्यटन विभाग ने नए आईडीए के लिए प्रस्ताव मांगे हैं। बता दें कि 8 सितंबर तक प्रस्ताव लिए जाएंगे और इनका प्रस्तुतिकरण 10 सितंबर को होगा। सबसे अच्छे और यूनिक आइडिया को 1,00,000 रुपए का पुरस्कार भी दिया जाएगा। अयोध्या में होने वाले दीपोत्सव में हर साल नए आकर्षण जोड़े जाते हैं, लेकिन इस साल राज्य सरकार इसे यादगार बनाना चाहती है। इसमें कई तरह के आकर्षण पहले भी जोड़े जा चुके हैं। वहीं इस साल दीपोत्सव में राज्य सरकार 7,50,000 दिए जलाकर अपना ही रिकॉर्ड तोड़ेगी। पिछले साल अयोध्या में 5.5 लाख दिए जलाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में रिकॉर्ड बनाया था। इस बार ये जिम्मेदारी किसी बाहरी एजेंसी को सौंपी जा रही है। आगामी चुनाव के लिए सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी रणनीति में लगी हुई है। 2022 के विधानसभा चुनाव के अभियान को अंजाम देने के लिए भाजपा ने जिलों में कोर ग्रुप बना दिए, जबकि 13 जिलों के प्रभारी भी तैनात कर दिए गए। कोर ग्रुप में संबंधित जिले से संबंधित सांसदों और विधायकों को भी रखा गया। प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने प्रभारियों की सूची जारी की। प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने यह जानकारी साझा की। अजीत कंबोज हमारे संवाददाता देहरादून से जुड़ गए हैं। अजीत, अगर बात की जाए तो एक तरफ सीएम धामी ग्रामश्री योजना चला रहे हैं, दूसरी तरफ बीजेपी पार्टी कोर गठित कर रही है। यह 2022 के चुनाव के लिए है, और किस तरीके से बीजेपी पार्टी अब मैदान में उतर रही है और उतरना चाहती है? बिल्कुल अभिषेक, अगर उत्तराखंड भाजपा की बात की जाए तो कल यानी 3 सितंबर से उत्तराखंड भाजपा की बड़ी जनादेश रैली श्रीनगर गढ़वाल से शुरू होने जा रही है। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का यह गढ़ है श्रीनगर, और यहां से उत्तराखंड भाजपा की बड़ी रैली का आगाज कल से होने जा रहा है। इसके अलावा अगर उत्तराखंड भाजपा की तैयारियों की बात की जाए तो चुनावी माहौल को देखते हुए 70 विधानसभाओं के 70 प्रभारी नियुक्त कर दिए गए हैं। साथ ही विधानसभा वार से अलग हटकर भी प्रभारियों की नियुक्ति उत्तराखंड प्रदेश में की गई है। इसके अलावा अगर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बात की जाए तो मुख्यमंत्री आज ग्रामश्री के आउटलेट्स का उद्घाटन यहां पर करने जा रहे हैं राजधानी देहरादून में। उनकी पूरी कोशिश है कि उत्तराखंड प्रदेश के जो दूरस्थ जनपद हैं या इलाके हैं जहां पर ग्राम्य विकास योजना के तहत स्थानीय उत्पादों का प्रचार प्रसार और उनका उत्पाद किया जा रहा है, उनको लेकर बेहतर मार्केट उपलब्ध हो सके, उसके लिए आउटलेट्स का होना बेहद ही जरूरी है। तो राजधानी देहरादून में एक बड़ा आउटलेट का शुभारंभ आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। शाम को 4 बजे कार्यक्रम रखा गया है। तो कुल मिलाकर उत्तराखंड भाजपा चुनावी मोड में आ चुकी है, और जिस तरह से रैलियों और तमाम योजनाओं के माध्यम से जनता को जोड़ने की कोशिश है, तो उम्मीद यही है कि 2022 के जब आम विधानसभा चुनाव होंगे तो उसमें सरकार रिपीट मार सके। और जो भाजपा ने 57 का मैंडेट यहां पर लिया था 2017 के विधानसभा चुनाव में, तो 2022 में इनका लक्ष्य है 60 को पार करना। तो ऐसे में उनकी पूरी कोशिश भी यही होगी कि आने वाले समय में ज्यादा से ज्यादा लोगों के संपर्क में भाजपा के नेता कार्यकर्ता आ सके। लेकिन अजीत, अगर बात की जाए जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लगातार कई रणनीति बना रही है, दूसरी तरफ धामी लगातार लोगों को सौगातें दे रहे हैं, इसका असर आने वाले चुनाव में कितना पड़ेगा और जनता का क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है?
बिल्कुल, अगर जनता की बात की जाए अभिषेक, तो सीधे तौर पर जनता के हित को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार कई योजनाएं कर रहे हैं शुरू, और साथ ही कई घोषणाएं भी की गई हैं। बीते रोज की बात की जाए तो 3 करोड़ से ज्यादा का पैकेज जो सीधे पर्यटक व्यवसायी हैं उनके खातों में डीबीटी के मार्फत ट्रांसफर कर दिया गया है। तो ये साफ है कि आंकड़े बता रहे हैं कि उत्तराखंड सरकार बेहतर काम कर रही है और योजना के माध्यम से जनता के दिल में जगानत बनाने की भी कोशिश कर रही है। लेकिन 2022 के आम चुनाव में जनता इसका कितना रिटर्न सरकार को देगी या भाजपा को कितना नेतृत्व इसमें मिल पाएगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल अब पूरी तरह से उत्तराखंड प्रदेश में चुनावी मोड ऑन हो चुका है, चाहे भाजपा की बात हो या कांग्रेस की, सभी रैली के माध्यम से जनता के बीच जा रहे हैं। बिल्कुल अजीत, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि किस पार्टी को जनता का सपोर्ट मिलेगा। अजीत, हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। खबर देहरादून से है। देहरादून में बुधवार को कॉलेज के एक प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए गुच्चू पानी गए 3 छात्र टॉन्स नदी में फंस गए। ये सूचना जब SDRF को मिली तो टीम तुरंत मौके पर पहुंची। इस दौरान टीम ने अंधेरे के बीच ही तीनों युवकों को रेस्क्यू कर सुरक्षित बाहर निकाला। कैंट इंस्पेक्टर ने बताया कि छात्र जाखन दिन में गुच्चू पानी गए थे, इस दौरान वे तैरते हुए नदी के दूसरे छोर पर चले गए। अचानक नदी का जलस्तर बढ़ने से वे वापस तैर कर नहीं आ सके। हालांकि सभी को सुरक्षित रेस्क्यू कर बाहर निकाल लिया गया है। छात्रवृत्ति घोटाले की जांच पड़ताल में एक और राज खुला है। विद्यार्थियों का भविष्य संवारने वाले 2 सरकारी शिक्षकों ने फर्जीवाड़ा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उधम सिंह नगर जिले के 13 थानों में यूपी और अन्य राज्यों के 60 शैक्षिक संस्थान 70 दलालों के खिलाफ छात्रवृत्ति घोटाले के मुकदमे दर्ज। शैक्षिक संस्थानों ने SC ST और OBC के 3,000 विद्यार्थियों के नाम पर 14 करोड़ रुपए डकार लिए थे। आपको बता दें कि SIT की ओर से विद्यार्थियों के दस्तावेजों के भौतिक सत्यापन में घोटाले का पर्दाफाश होने के बाद आरोपियों पर शिकंजा कसना शुरू हो गया। दरअसल घोटाले को अंजाम देने के लिए अध्यापक दिग्विजय सिंह ने SDM और उदय राज ने तहसीलदार के फर्जी दस्तखत और मुहर लगाकर विद्यार्थियों के जाति स्थायी प्रमाण पत्र बनाए और उनको सत्यापित कर रुपये भी डकार गए। चलिए, इस खबर के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, और खबरों के लिए आप जुड़े रहें और देखते रहें जनता TV। नमस्कार।